प्रस्तुतकर्ता पतंजलि, योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ, प्रायोजक पतंजलि दंत कांति, दांतों के लिए सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, और पतंजलि केश कांति एडवांस, नए बालों गाय बालों को झड़ने व असमय सफेद होने से बचाए। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट के साथ हुए बंद, निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा लुढ़का, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, रियल्टी और पीएसयू बैंकों में बिकवाली ज्यादा। मुनाफा वसूली से निफ्टी बैंक करीब 325 अंक फिसला, 41,250 के करीब हुआ बंद। आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक बैंक ने बनाया दबाव। रिवर्स गियर में ऑटो शेयर, एमएनएम निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल, टाटा मोटर्स, आयशर, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर और एस्कॉर्ट्स 1-2% गिरे। शॉर्ट टर्म एएसएम के तहत सख्ती से अदानी एंटरप्राइजेस 4.25% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर, अदानी पोर्ट्स, एसीसी और अंबुजा में भी बिकवाली हावी। कमजोर बाजार में मेटल शेयर चमके, टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर, हिंडालको, हिंदुस्तान कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील और सेल भी आधे से 1% तक चढ़े। नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना, बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी बताएंगे। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300-1634 या फिर आप हमें 0222300-1635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZBusinessOnline, ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें, #BazaarAajAurKal लिखकर। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाजार पर स्ट्रेटजी, और खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन का करते हैं शो में स्वागत। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार को जरा अच्छे से समझ लेते हैं। वीकली एक्सपायरी का दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, बाजार की शुरुआत तो सपाट हुई थी लेकिन बाद में मार्केट में तेज गिरावट दिखी और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 542 अंक फिसलकर 59,806 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 165 अंक टूटा और 17,590 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 320 अंकों की गिरावट आज हमने देखी। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन में ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, रियल्टी और पीएसयू बैंकों में सबसे ज्यादा बिकवाली आज हावी देखी गई। आज बाजार में गिरावट की वजह क्या रही है, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। लगातार तीन दिनों की मजबूती के बाद भारतीय बाजारों में आज हफ्ते की एक्सपायरी के दिन दिखा दबाव। दुनिया भर के बाजारों से मिले जुले संकेत थे और उनके चलते भारतीय बाजार सुस्त शुरुआत करते हुए दिखे, हालांकि बहुत कमजोर नहीं खुले और एक बार हरे निशान में आने की कोशिश भी निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की तरफ से हुई, थोड़ा बढ़े भी, लेकिन धीमे धीमे दिग्गजों से बिकवाली का दबाव आता दिखा। हर सेक्टर लीडर पर थोड़ा सा आज प्रेशर था, रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज आज कमजोर होते दिखे। हालांकि मेटल शेयरों ने सुबह सुबह बाजार को संभालने का काम जरूर किया लेकिन बाद में दिग्गजों पर बिकवाली का दबाव बढ़ने से धीमे धीमे बाजार नीचे सरकते दिखे और किसी भी लेवल से कोई ढंग ढांग की साइजेबल रिकवरी दिखाते नजर नहीं आए। तो आज के सेशन में साफ तौर पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जहां पर जाकर हम बंद हुए वो एकदम इम्पोर्टेंट लेवल था, लगभग 17,600 के बेहद करीब इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी 41,250 के लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिखा। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि तीन दिनों की तेजी के बाद आज एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली और इस मुनाफा वसूली के पीछे दो वजह थी। एक तो वीकली एक्सपायरी के पहले थोड़ी सी पोजिशन तेजी की तरफ ज़्यादा बनी हुई थी, पुट कॉल रेशियो दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी पर 1.27 के आसपास थोड़े ओवरबॉट की तरफ थे, वो एक लॉन्ग पोजिशन हल्की होना जरूरी था। और दूसरी तरफ कि आज फॉलो अप बाइंग नहीं आती दिखी, जो एफआईएस की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर कम था और बाइंग आने का सिलसिला बना था वो थोड़ा रुकता दिखा। और कल कैश मार्केट में लोकल फंड जो अब तक लगातार खरीदे थे उन्होंने बिकवाली भी की 800 करोड़ के आसपास की। तो ये सारे कारण थे जिनके चलते भारतीय बाजार थोड़े दबाव में दिखे, लेकिन जो दबाव का कारण, ट्रिगर और वजह जो बना उसमें कोई डाउट नहीं, ग्लोबल मार्केट्स की वजह से होता दिखा और उसके बाद वीकली एक्सपायरी की वजह से आज तेजी की पोजीशन थोड़ी हल्की होती नजर आई। आइए अब चलते हैं सीधे हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जैन के पास। संदीप जी, बाजार मुनाफा वसूली का शिकार हुए, अभी हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कल, क्या एक्सपेक्ट करें बाजार से?
नहीं बिल्कुल बात सही है कि इंडेक्स हैवी वेट्स आज गिरे और मार्केट रिकवर करने की कोशिश भी किया, फिर वापस से दबाव आया, कुल मिला के इंडेक्स मैनेजमेंट भी देखने को मिला। और देखिए वीकली एक्सपायरी थी उसका भी प्रेशर था, फिर ग्लोबल इंडेक्सेस अच्छा नहीं कर रहे थे। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट्स में ऊपर का जो लेवल है 17,800-17,900 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है, और डाउनसाइड भी मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा है। सो कुल मिला के बहुत स्क्वीज्ड है और मुझे ऐसा लगता है कि कल वापस से एक बाउंस बैक आना चाहिए। आज इतनी उम्मीद थी कि इस तरीके से मार्केट्स एक साथ करेक्ट होंगे, रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक सब ने प्रेशर डाला और ऑटो स्टॉक सब कुछ आज उसमें थे, मेटल्स के अलावा सब प्रेशर में थे। बट मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ा फिर भी माहौल बना हुआ था, वहां पे जो M2Ms थे वो उतने लगे नहीं जो देखने को मिला। सो मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप भी परफॉर्म करेंगे और इंडेक्स भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा आने वाले दिनों में। 17,600-17,500 लेवल है जो कि अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट फिर भी मैं कोशिश किया हूँ आज कुछ सेल आइडियाज भी लाने की। ओके, पोजिशनल व्यू समझ लेते हैं पहले आपसे संदीप जी, पोजिशनल खरीदारी करनी हो बाजार में तो कहां पर आपकी तरफ से स्ट्रेटजी रखने की सलाह रहेगी? बिल्कुल, मैं एक स्टॉक है वर्धमान टेक्सटाइल जिसको मैंने पहले भी रेकमेंड किया है, अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया रिटर्न्स पहले दिया, फिर बाद में टेक्सटाइल स्टॉक्स नहीं चले, करेक्शन आया और अब एक करेक्शन होने के बाद एक धीरे धीरे वापस से बॉटमिंग आउट प्रोसेस दिख रहा है मुझे, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे इस स्टॉक को लिया जा सकता है और 324 के लगभग लेना चाहिए और 360 का टारगेट और 310 का स्टॉप लॉस। वर्धमान टेक्सटाइल्स में पोजिशनल खरीदारी की सलाह संदीप जैन की तरफ से आ रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक रखने की सलाह रहेगी आपकी? अगेन देखिए, पिछले कुछ दिनों से पीएसयू स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं और पीएसयू इंडेक्स भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और उसके सामने कुछ शिपिंग स्टॉक्स भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और भले हम अगर आप इस सेक्टर में देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी अभी मैं नाम ले लूं, पहले कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये स्टॉक को मैं आज लाया हूं। बाकी मैंने मसगांव डॉक है या गार्डन रीच है, ये सब अच्छा कर रहे थे और कोचिन शिपयार्ड भी बहुत बेहतरीन वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जस्ट बिकॉज इट्स अ पीएसयू तो जनरली सस्ती वैल्यूएशन में मार्केट में ट्रेड करते हैं ये। और देखिए कंपनी मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है शिप बिल्डिंग और मेंटेनेंस फैसिलिटी रखने वाली, करीब 1.1 लाख टन्स की कैपेसिटी है वेसल्स बनाने की और रिपेयरिंग की भी इनकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है। और कंपनी के पास बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुक पोजीशन है, भले वो इंडियन नेवी से है, बहुत बड़ी पोजीशन इनके मतलब ऑर्डर बुक है और आगे भी काफी अच्छी विजिबिलिटी है और कंपनी बहुत ही गजब की है, 1972 से कंपनी कार्यरत है। और पीएसयू है तो आप देखिए वैल्यूएशन जैसा मैंने कहा कि सस्ते हैं, 10 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 3.5% का डिविडेंड यील्ड है, पिछले 7 साल में प्रॉफिट की कैगर 35% की रही है और पिछले 5 साल में 12.5-13% के लगभग, और ऊपर का लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है स्टॉक। और आप देखिए दिसंबर 2021 के सामने दिसंबर 2022 में रिजल्ट अच्छे थे, अगर हम अदर इनकम का एक फैक्टर हटाएं तो प्रॉफिट्स बढ़ के आए हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह भी देखते हैं तो सर्टेनली देखिए लाजमी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72-73% उनका है, DIIs, FIIs मिला के करीब 10% से ज्यादा होल्ड करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए, 687 का लेवल्स ऊपर दिखाया हुआ, उसके सामने 470 है, डाउनसाइड रिस्क कम लगती है, ऑलमोस्ट 450 के लगभग के एक बेस बनाकर अब बाउंस कर रहा है तो डाउनसाइड रिस्क कम लगते हुए ऊपर का लेवल ठीक लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे स्टॉक को लें, 540-560 का टारगेट लगाएं। तो कोचिन शिपयार्ड लॉन्ग टर्म की खरीदारी का स्टॉक है संदीप जैन की पसंद। आइए अब कुछ कॉलर से जानते हैं उनके सवाल। दिल्ली से डॉक्टर नीरज हमारे साथ है। नीरज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास मैम दो शेयर हैं, एक है मझगांव डॉक का 140 शेयर है एट द रेट 800 एंड सेकेंड स्टॉक है मैम जेके लक्ष्मी सीमेंट 111 शेयर है मैम एट द रेट 798। मैम इसमें लॉन्ग टर्म मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसी के रिगार्डिंग पूछना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दो स्टॉक संदीप जी, जेके लक्ष्मी सीमेंट और मझगांव डॉक, कैसे लग रहे हैं आपको ये दोनों, इनकी खरीद लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए मझगांव डॉक के लिए तो अभी मैंने बात की थी कि मैं
ये जो शिपिंग वाले जो स्टॉक्स है इन सबको मैंने रेकमेंड किया है रिसेंटली, जीआरएसई हो या मेजगांव डॉक हो या आपके अभी कोचिन शिपयार्ड का नाम ले, इट्स अ कोइंसिडेंस दैट इनको यही क्वेश्चन अभी पुट किया इन्होंने। हालांकि देखिए ये बहुत बड़ा मूव ये स्टॉक दिया था 300 से लेकर 900 रुपए तक का और ये हायर लेवल्स पे एंट्री लिए हैं तो मुझे लगता है कि इनको समय देना पड़ेगा। बट यस, रिजल्ट्स वर वेरी गुड और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड हैं और पिछला क्वार्टर गजब का रिजल्ट था दिसंबर का क्वार्टर। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि समय लगेगा बट फिर भी डरना नहीं है क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजिशन है, पीएसयू है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का डिफेंस के ऊपर पूरा भरोसा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा फोकस है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स भी अच्छा ही करेंगे। सो बिल्कुल इस लेवल पे इनको होल्ड करना चाहिए और अगर नीचे आए तो करीब 600-650 के लगभग आए तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एवरेजिंग भी की जा सकती है, इनके भाव हो सकते हैं कि आने वाले साल भर में डेढ़ साल में मिलेंगे। ऑल दैट इज कि इनको समय देना पड़ेगा, इन स्टॉक्स में मूवमेंट आता है तो एक साथ आता है, नहीं आता तो काफी धीरे धीरे मूव करते हैं। और जेके लक्ष्मी की अब बात रही, सीमेंट स्टॉक्स आर डूइंग वेल, जेके लक्ष्मी भी मेरा काफी निचले लेवल्स पे रेकमेंडेड स्टॉक है, समहाउ अच्छा कर रही है और राजस्थान बेस्ड इनका प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मुझे जेके लक्ष्मी सीमेंट अच्छा लगता है। जस्ट दैट कि सीमेंट स्टॉक्स वैसे पिछले कुछ क्वार्टर से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर रॉ मटेरियल कॉस्ट और इसकी वजह से ये स्टॉक ऊपर से करेक्ट भी हुआ है बट अब लगता है कि एक अच्छा खासा करेक्शन के बाद अब बेस बना रहा है, कहीं ना कहीं एक 650 का लेवल है जो कि एक अच्छा सपोर्ट लेना चाहिए वहां पे, तो अब घबराना नहीं है। ऑल दैट इज कि इनको समय देना पड़ेगा, रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे ही आएंगे आने वाले दिनों में और अभी भी अच्छा ही आया था, मैं ये कहूंगा टीटीएम बेसिस पे भी ठीक था रिजल्ट और दिसंबर टू दिसंबर बढ़िया ही था और रॉ मटेरियल्स की जो प्राइस की जो वो थी इश्यूज थे वो थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं, मार्केट्स में इनके प्राइसेस अब बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ओके, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट और मझगांव डॉक दोनों को होल्ड करने की सलाह संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, हमारे साथ इस वक्त हैं वडोदरा से रोहित कुमार पटेल। रोहित जी स्वागत करते हैं आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास आरईसी के 17 स्टॉक 118 पे लिए हुए हैं, हमको कितने लॉन्ग टर्म में रुक सकता हूँ, मुझे कुछ बारे में क्या करना चाहिए? कितने स्टॉक है रोहित जी, फिर से बताएंगे? आरईसी के 17,000 स्टॉक है। अच्छा, 17,000 स्टॉक आपके हैं 118। ओके, मुनाफा भी अच्छा आरईसी पर इन्हें, क्या व्यू है आप बन रहा है आपका संदीप जी, इनके मुनाफे को देखकर क्या स्ट्रेटजी रखी जा सकती है आरईसी पर? नहीं देखिए, डिपेंड करता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है अपने। इनफैक्ट जब 17,000 क्वांटिटी ली होगी तो इनको शायद कन्विक्शन भी होगा। अब अगेन देखना कि 17,000 क्वांटिटी जो ये लिए हैं और ये करीब आज अगर 20-21 लाख का माल होता है और इनके पोर्टफोलियो में कितना पोर्शन ये माल है वो सब भी देखना जरूरी है। मैं सिर्फ स्टैंड अलोन बेसिस पे मैं रिप्लाई नहीं देना चाहता, मैं पूरा एक वो देखना चाहता हूँ कि इनका वेटेज कितना है स्टॉक के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार स्टॉक लिए हुए हैं और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है तब तो ठीक है। सो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि 4-5% की एक पोर्टफोलियो में एक साइज होनी चाहिए एक स्टॉक की, और अगर लिए हैं ये क्वांटिटी तो सर्टेनली रिसर्च किए होंगे। बट ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा लगता है मुझे, पावर स्टॉक्स वैसे ही बढ़िया लग रहे हैं, पावर से रिलेटेड और उसमें भी पावर फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है तो बिल्कुल सरकार भी जिस तरीके से पावर सेक्टर को लेकर मेजर्स ले रही है और या रिन्यूएबल एनर्जी और ये सारे जब आएंगे, आई रहे हैं इनफैक्ट, तो काफी मुझे लगता है कि इन कंपनियों में पीएफसी हो या आरईसी हो दोनों में स्कोप है और सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और मेरे हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल भी देखें तो बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है तो कहीं कोई दिक्कत लगती नहीं है। रीजन है कि चलिए इनके डेट्स और ये सब के भी इशू रहते हैं, एनपीएस के भी इशू रहते हैं, बट ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन दिनों में और मेरे हिसाब से होल्ड करके रखना चाहिए इनको। और ऊपर के लेवल्स हो सकता है कि 140-145 के लेवल्स आए तो वहां पे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें तो ठीक है। ओके, तो आरईसी पर आपके लिए संदीप जी की स्ट्रेटजी। गुरुग्राम से सुरेश जी हमारे साथ हैं, सुरेश जी स्वागत करते हैं, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास इसके ग्रेट इंडिया के शेयर हैं जो मैंने 2019-20 में लिए थे, इनकी मेरी एवरेज कॉस्ट है 6200 रुपए के पास और 13 नंबर शेयर है मेरे पास। आजकल जो रेट चल रहा है 4,46 कुछ चल रहा है जी, तो मेरे को 25% के अप्रोक्सीमेट लॉस हो रहा है, आप इसमें बताएं मैं क्या करूं? शेयर कितने आपके पास एक बार बताएंगे?
13 नंबर है मैडम। 35 13 1313 80,000 के करीब। 1313 ठीक है ओके। नुकसान काफी इन्हें जिलेट इंडिया में, संदीप जी क्या राय देंगे? हाँ पता नहीं, पिछले कुछ सालों से कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, लगता हमारे जैसे लोग बहुत हो गए जो दाढ़ी रख रहे हैं, और उसके साथ सुरेश जी की भी दाढ़ी हो देख नहीं पा रहे हैं तो फोनर पे है। बट एनीवेज जिलेट इंडिया मुझे अच्छा लगता था, मैं इसमें गलत पड़ा हूँ, मैंने ये स्टॉक को रेकमेंड किया था, मैंने 5500 के लेवल पे भी 5000 के लेवल्स पे भी रेकमेंड किया हुआ, वहां से नीचे चल रहा है, बेहतरीन कंपनी है, एक एमएनसी कंपनी है। देखिए जिलेट ऐसा नाम है, मुझे नहीं लगता कि यूज नहीं होता, हर आदमी यूज करते हैं, टॉप लाइन भी बढ़ के आई और बॉटम लाइन भी बढ़िया है, बट फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो बेसिकली और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ग्रुप की कंपनी है, कहीं कोई इश्यू नहीं है, FIIs DIIs होल्ड करते हैं, 75% प्रोमोटर्स की स्टेक है, एवरीथिंग इज सो गुड अबाउट द स्टॉक, बट फिर भी स्टॉक ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा। सडनली देखिए पी मल्टीपल इन MNCs का हायर होता है, 50 के पी मल्टीपल पे है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक को ये होल्ड करे, घबराना नहीं है, एक बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्वालिटी कंपनी है, गजब के प्रोडक्ट्स है, गजब की ब्रांड इक्विटी है, ब्रांड लॉयल्टी है, सब कुछ है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा, जस्ट दैट की ग्रोथ जो सेल्स की और प्रॉफिट की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, वो स्टैग्नेंसी आ रखी है एक तरीके से, बट फिर भी रिजल्ट्स इन वही है, अनुकूल ही है, तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, और अभी एवरेजिंग की भी राय नहीं है, और बिल्कुल मेरे हिसाब से इनके जो भाव है वो नहीं भी आए, एक लेवल ऐसा है कि भी कहीं ना कहीं अगर ये टेक्निकली और बढ़िया हो जाए स्टॉक और बाउंस करने लग जाए, मिड कैप स्मॉल कैप सब चलने लग जाए, तो हो सकता है कि उस टाइम पे एवरेजिंग करे। ओके, तो जिलेट इंडिया में बने रहें, सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास गुजरात से गणपत लाल जी है। गणपत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? विप्रो मेरा है मैडम 520 में, 150 शेयर, क्या करो, साल भर का नजरिया है। ठीक है, विप्रो में साल भर के नजरिए के लिए ये आपसे राय लेना चाह रहे हैं, ऊंची खरीद क्या करें? देखिए ये स्टॉक भी वैसे देखा जाए तो अंडर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू TCS एंड इंफोसिस, मुझे वो दोनों स्टॉक ज्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है कि इंफोसिस में एंट्री ले ले वो ज्यादा अच्छा है, और विप्रो भी इतना करेक्ट हो चुका है, एक बाउंस आ जाए कहीं भी अगर 450 रुपए है तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से निकल के वहां एंट्री लेने की कोशिश करें, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लगता नहीं है स्टॉक में, हालांकि ठीक है मतलब रिजल्ट्स वगैरह नॉर्मल आते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ भी पिछले कुछ दिनों में मैं बोलूंगा कि ऐसे दिखाई नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो TCS और इन्फोसिस ज्यादा बेहतर लगते हैं, वहां पर भी करेक्शन आया हुआ है, बट वो स्टॉक आउट परफॉर्म करेंगे स्टॉक को, ऐसा मेरा मानना है, जब भी IT में एक रैली आएगी। TCS या इन्फोसिस, ये दो ऐसे स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ से मनीषा हमारे साथ हैं, स्वागत करते हैं आपका, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, नमस्कार सर। सर मेरे पास HDFC लाइफ है, 525 की परचेज है, 100 शेयर्स हैं। कब तक का नजरिया है आपके आपके पास? मैम साल दो साल। ओके, साल दो साल HDFC लाइफ, बताइए संदीप जी क्या करें? देखिए मुझे ये स्टॉक्स महंगे लग रहे हैं, जितने भी ये अभी इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स, हालांकि HDFC लाइफ हो या ICICI प्रू हो या ICICI लोम्बार्ड हो, मुझे फिर भी ICICI लोम्बार्ड ठीक लगता है, जनरल इंश्योरेंस में मुझे स्कोप ज्यादा लगता है, और ये लाइफ में इनफैक्ट LIC है वो भी बहुत करेक्टेड है, बट वो अडानी फैक्टर की वजह से, वो इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम कुछ बोला भी था कि अडानी के पहले, ये एपिसोड आने के पहले, कि LIC एक ऐसे लेवल पे आ चुका कि उसको लिया जा सकता, बट अगेन ये एक बहुत बड़ा वो है, और HDFC लाइफ में भी पोस्ट बजट जो अभी इंश्योरेंस के प्रीमियम को लेकर जो आया है, जो 5 लाख के ऊपर के प्रीमियम और उन सब का जो चीजें आई है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से इम्पैक्टेड है, बट ओवरऑल यही कहूंगा कि होल्ड करें, बाकी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता हूँ क्योंकि इनके वैल्यूएशन और ये सब देखता हूँ तो महंगे लगते हैं, और बाकी एक चीज और है कि डाउन साइड बहुत ज्यादा यहाँ से लगती नहीं है, हो सकता है यहाँ से रिकवर करने की ही कोशिश करेंगे ये स्टॉक्स। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रेटजी और बाजार के लिए हम संकेत समझते हैं अनिल जी से।
भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स और नैसडेक फ्यूचर्स दोनों ही लगभग 75 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो अमेरिका में आज फिर से एक थोड़ी कमजोरी वाले सेशन की आशंका है। वैसे अमेरिकी बाजार दिन के दौरान काफ़ी वोलेटाइल है, तो देखते हैं कि कहाँ बंद होते हैं और कल सुबह किस तरह से फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखते हैं। हमारे अपने ट्रिगर्स में आज के FIs और घरेलू फंड्स के डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि वायदा कारोबार में वीकली एक्सपायरी के बाद आज बाजार आपको थोड़े से हल्के होते नजर आएंगे। ऐसे में वैसे तो 17,600 के आसपास जहां हम बंद हुए यही अपने आप में पहला सपोर्ट है, लेकिन इसके ठीक नीचे 17,425-17,500 ये कल के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 17,700-17,775 वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 40,100 कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 40,500 से 40,625 की रेंज होगी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो ओपनिंग हम ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के लिहाज से करेंगे। थोड़े बाजार वीकली एक्सपायरी के बाद हल्के हुए और अगर दुनिया भर के बाजारों से थोड़ी मजबूती के संकेत आए तो कल बाजार फिर से रिकवरी की आप उम्मीद रख सकते हैं। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया हमारे साथ हैं। सुमित जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में ऑप्शन की स्ट्रेटजी कहां रखी जाए? नमस्कार साथी, गुड इवनिंग। कल के बाजार के लिए दो ऑप्शन की स्ट्रेटजी है मेरे पास, एक तेजी की और एक बंदी की है। मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिल रहा है, इसके लिए मैंने दोनों तरफ की स्ट्रेटजी निकाली है। तो पहले तेजी की तरफ की बात करते हैं। बर्जर पेंट में तेजी लग रहा है। बर्जर पेंट में 590 वाला कॉल 11 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 8 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 15 रुपए से लेकर 18 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं 590 की कॉल के अंदर। ये तो थी तेजी की तरफ की स्ट्रेटेजी। अब जो वीकनेस वाली स्ट्रेटेजी है मंदी की तरफ की, वो है टाइटन। टाइटन में 2360 वाला पुट 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 23 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 48 रुपए से लेके 55 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो टाइटन 2360 का पुट लेने का सलाह रहेगा। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से। जी धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए। और कल के बाजार में खरीदारी या फिर बिकवाली, क्या स्ट्रेटजी आपकी तरफ से संदीप जी? हाँ, मैं सेल कॉल लाया हूं और वो है टाइटन कंपनी लिमिटेड। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के रिकवरी के साथ भी ये स्टॉक रिकवर नहीं किया और आज भी गिरावट थी स्टॉक में अच्छी खासी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे बेचना चाहिए। 2370 की करंट मार्केट प्राइस है, 2320-2290 का टारगेट और 2390 का स्टॉप लॉस। तो एक छोटा स्टॉप लॉस, उसके सामने अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है और मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे बेचा जा सकता है।